हेलो गाइस, मैं हूं ब्रज वर्मा और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग असाइनमेंट दिखाने वाला हूं। इंटरेस्टिंग क्या है उसमें, आपने देखा होगा पहले एक वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेटर बना के दिखाया था। वो कैलकुलेटर का एक सामने का इंटरफेस था कि कैलकुलेटर ऐसा दिखता है, ऐसा बनाना है। लेकिन आज मैं आपको वर्किंग कैलकुलेटर दिखाऊंगा, वर्किंग कैलकुलेटर जो काम करता है, जिससे जोड़ घटाना गुणा भाग यानी प्लस माइनस डिवाइड वगैरह सब्स्टिट्यूशंस होता है। ओके, तो वर्किंग कैलकुलेटर बनाया है बहुत ही अच्छा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाया है, ये भी आपको बताऊंगा। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स हाउ आई हैव मेड दिस। सो दिस इज द कोड ऑफ दैट कैलकुलेटर विच आई हैव मेड। ओके, सो गाइज व्हाट हैपन दैट, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस यूनिट में हमें पहले सिखाया है HTML CSS पढ़ा रहे हैं, और HTML CSS को कैसे हम जावास्क्रिप्ट से जोड़ते हैं वो चीज़ दिखाई है। अब क्या है कि HTML एक स्केलेटन होता है, एक ढांचा होता है किसी वेबसाइट का, उसके बाद जो स्टाइलिंग होती है, ये जो खूबसूरती होती है वेबसाइट की, वो CSS होती है। और CSS में एक इंजिन का काम कौन करती है, जावास्क्रिप्ट। अगर जावास्क्रिप्ट आ जाती है तो यानी कि उसमें जान आ जाती है, यानी जान कैसी वो काम करने लगती है, वर्किंग होने लगती है। तो ये वर्किंग है लाइक दिस। लाइक अगर हमें 1123 में 8 जोड़ता हूँ तो क्या होता है, 1131 होता है, कर रहा है काम, और इससे काट देते हैं हम। ओके, सो 2 + 2 इक्वल्स टू 4, -2 इक्वल्स टू 2, ओके, इनटू 5, देन इक्वल्स टू 6। लाइक ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या होता है, कि जैसे मैंने किया 2 + 2, ओके, ये हो गया 4, और उसके बाद में जैसे ही 3 माइनस करने जाता हूँ तो ये पीछे वाला पहले वाला इंटरफेस भी सामने आ जाता है लाइक दिस। ओके, सो लाइक 9 × 9 इक्वल्स टू, ये पहले वाला भी दिख रहा है ना, इसके लिए मुझे रिफ्रेश करना होता है हर बार। क्या करना होता है, 2 + 2 जब मैंने कर लिया इसको इक्वल्स टू, जो मैंने आंसर देख लिया, फिर इसको रिफ्रेश करूंगा, फिर मुझे जो अगला ऑपरेशन है 5 - 8 लाइक, फिर मैं देखूंगा तो -3। ओके, फिर मुझे रिफ्रेश करना होता है। अगर मुझे रिफ्रेश नहीं करना है तो मुझे कोड में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। ओके, और वो चेंजेस क्या होगा, मेरी जावास्क्रिप्ट में जाके यहाँ पर जब मैं इक्वल्स टू दबाता हूं तो मुझे बैग को एम्प्टी करना होगा। ओके, लाइक दिस, देन आई विल गेट माय आउटपुट। अगर मैं 5 + 3 करता हूं इक्वल्स टू, ओके, देन इनटू 5, ओके, सो लाइक 2, सॉरी, लाइक 2 + करता हूँ, 2 + 3 करता हूँ, लाइक ये हो गया 5। ओके, देन अगर हाँ मैंने अगर ना ये जैसे कि इक्वल टू दबाया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा डिस्प्ले पर, और मैं जैसे इक्वल दबाता हूँ तो अनडिफाइन आता है, क्योंकि अनडिफाइन क्या होता है कि ये इसकी तो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, ये काम करता है, लेकिन अगर मैं कुछ दबाता हूँ, कुछ स्क्रीन पर लिखा नहीं है, तो फिर इक्वल टू काम नहीं करेगा। तो यानी कि कोई वैल्यू अगर नहीं होती है ना, तो जावास्क्रिप्ट उसे अनडिफाइन बोलती है, बोले कुछ भी नहीं है और आप कूल कर रहे हो फालतू। ओके, तो ये चीजें हैं, तो लाइक आप देख सकते हो ऐसे। ओके, देन 9 × 9 ये हो गया 81। ओके, एंड देन लाइक 6 - 6 क्या हो गया, 0, एंड 9 + 1 लाइक ये, एंड 10 / 5 काम कर रहा है गाइस, कैलकुलेटर कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने इसे कैसे बनाया है। ओके, तो मैंने इसे कैसे बनाया है आपको दिखा देता हूँ, वीएस कोड में मैंने कैसे सीएसएस और एचटीएमएल से लिंक किया है जावास्क्रिप्ट को। आज 2 क्लास हुई है वैसे जावास्क्रिप्ट की, वो सिंपल, बड़ा सिंपल है। ये कैलकुलेटर की बॉडी है, कैलकुलेटर की बॉडी यानी कौन सी बॉडी दिखा देता हूँ, ये जो पूरी बॉडी है ना बाहर वाली, ये बॉडी है।
इस बॉडी को क्या विड्थ दी है मैंने 350 पिक्सल और हाइट दी 500 पिक्सल। मार्जिन ऑटो यानी कि ये ऐसा बन गया कैलकुलेटर, फिर ये साइड में हो जाएगा, तो मार्जिन ऑटो देने से ये बीच में हो जाएगा, इधर लेफ्ट और राइट में बराबर जगह हो जाएगी। मार्जिन टॉप यानी कि ऊपर से 40 पिक्सल नीचे गया है इसे, इसकी बॉर्डर की रेडियस 30 पिक्सल यहाँ से गोलाई दी है इसकी बॉर्डर को, ओके, चार कोनों पे से, और दिस बॉर्डर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट, इसकी जो बॉर्डर है उसको 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट किया है, और ये जो है ये है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो मैंने यहाँ से लेना पड़ता है वेबसाइट से, यहाँ से किस टाइप से आप बटन को दिखाना चाहते हो और किस टाइप से आपके कैलकुलेटर को दिखाना चाहते हो। तो ये जो साइड में आपको ये शेडोज दिख रही है ना, ये सब मैंने कहाँ से लिया है, ऑनलाइन। और ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले कौन सी डिस्प्ले है दिखा देता हूँ, ये जो डिस्प्ले जहाँ पर हम लिख रहे हैं, ओके, ये डिस्प्ले है। तो इस डिस्प्ले के लिए मैंने क्या कोडिंग की है, इसकी विड्थ की है पूरे पेज का, मतलब जो भी मैंने लाइक 350 पिक्सल का कैलकुलेटर है उसका 90% चौड़ाई रखी है, विड्थ रखी है इसकी हाइट 80 पिक्सल, मार्जिन ऑटो ताकि बीचों बीच रहे, बॉर्डर 0 पिक्सल इसमें बॉर्डर हटा दी है, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, थोड़ी गोलाई बढ़ा दी है बटन्स की और इस डिस्प्ले की, तो बटन्स की भी बढ़ाई है वो भी दिखाता हूँ। मार्जिन टॉप इसको भी ऊपर से 50 पिक्सल नीचे किया, ठीक है, जो कैलकुलेटर है अब पूरे पेज से 50 पिक्सल का कैलकुलेटर को मार्जिन दिया, थोड़ा नीचे आया, फिर इसके अंदर जो डिस्प्ले है उसको भी थोड़ा नीचे किया है, थोड़ा गेप दिया है, ओके, तो और ये बॉक्स शेडो है, लाइक दिखा देता हूँ, ये जो इसके पास ये शेडो बनी है ना नीली नीली सी ब्लू कलर में, जो ये शेडो है, ओके, यहाँ पर ये 50 पिक्सल का, इसके बीच में डिस्टेंस दिया 50, इसके बीच में 50, फिर बटन्स को भी 50 डिस्टेंस दिया ताकि ये डिस्टेंस बने इसके बीच, ओके, फिर यहाँ पर तो ऑटो लाइक दिस। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने क्यों किया है, डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने इसलिए किया है गाइस, डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने इसको इसलिए किया है ताकि जो भी हम लिखेंगे, लाइक ये लिख रहे हैं तो ये बीच से लिखा रहा है, बीच से लिख रहे हैं, और अलाइन आइटम भी मैंने सेंटर किया था कि यहाँ पर ना लिखते हुए यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो बीचों बीच आएगा, ऊपर से भी बीच में और लेफ्ट राइट से भी बीच में। सो इसे फ्लेक्स बनाया है और इसे दो प्रॉपर्टी दी है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन कंटेंट सेंटर। फॉन्ट साइज उसका रखा है डिस्प्ले का मैंने लाइक 22 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट बोल्ड। ये बटन्स है हमारी, बटन को मैंने ग्रिड टाइप बनाया है, और वो रिपीट मतलब चार कॉलम रहेंगे, चार रोज रहेंगी, गेप उनके बीच में 20 पिक्सल का रहेगा, विथ 80% रहेगा, लाइक 80% कैसा कि 10% इधर बचेगा, 10% इधर स्पेस बचेगा, ओके, बटन्स के साइड में। और टॉप मार्जिन 30 पिक्सल का दिया है बटन्स को, यहाँ पर ये 30 पिक्सल का गेप रखा है इसके, ये एक अलग डिव में है तो इसके डिव को यहाँ पर इस डिस्प्ले से 30 पिक्सल का गेप रखा दोनों के बीच में, ओके, सो दिस इज द बॉटम। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द डिव्स वेयर द बटन्स प्लेस्ड, ठीक है, उसकी बॉर्डर को मैंने 0 पिक्सल रखा है, डिस्प्ले को फ्लेक्स किया है, ओके, डिस्प्ले को फ्लेक्स किस डिस्प्ले का बोल रहा हूँ, लाइक ये जो है ना इसके डिस्प्ले को फ्लेक्स, ताकि लेफ्ट राइट से भी बीचों बीच कर सकूं मैं इस एक को, और ऊपर नीचे से भी सेंटर कर सकूं, फ्लेक्स, ओके, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ना जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम, ये फ्लेक्स में ही काम करती है, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, तो बीचों बीच हो गया, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया, 12 पिक्सल का साइज रख दिया उसका, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल कर दी, और ये शेडो लगा दी उसमें 50 पिक्सल, करने से ये गोलाई ज्यादा हो गई तो ना पूरी सर्कल हो गई है, ओके, अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर कम है, ये जो सर्कल है ना ये कम है थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर मैंने लगभग 20 पिक्सल, यहाँ पर 50 पिक्सल और यहाँ पर भी 50 पिक्सल लगाया, तो यहाँ पर ज्यादा सर्कल हो गई है, लाइक आप देख सकते हो कि मैंने ना लाइक कैलकुलेटर में कितना रखा है, कैलकुलेटर में रखा है बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, ओके, तो कम है यहाँ पर, और डिस्प्ले पर कितना रखा है, डिस्प्ले पर मैंने रखा है 50 पिक्सल लाइक दिस, देख सकते हो आप, और यहाँ पर इन बटन्स में भी 50 पिक्सल रखा है डिस्प्ले के बराबर, तो दोनों अब सेम सर्कल आ रही है, ओके, और मैंने ना जैसे कि इसको रेड कैसे किया है, इनको ब्लैक कैसे किया है, ओके, सो मैंने यहाँ पर ना ये है पूरी बटन्स की कोडिंग, ओके, इन डिव्स में रखा है इन्हें, तो जिसको ब्लैक करना था उसको एक क्लास दे दी ब्लैक, इसको भी ब्लैक करना था, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और जिसे मुझे रेड करना था उसे रेड क्लास दे दी, फिर मैंने यहाँ पर बोला कि जिसकी क्लास रेड ब्लैक है उसका बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, और जहाँ जो लिखा है उसमें उसका रेड वाइट कलर होना चाहिए, और जिसकी क्लास रेड है उसका बैकग्राउंड रेड और वहां पर जो फॉन्ट लिखा हुआ है उसका कलर व्हाइट होना चाहिए,
ओके, और फिर मैंने क्या किया है कि बटन ग्रेटर देन डिव होवर, इस ग्रेटर देन का मतलब होता है बटन के जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं, ओके, जो उसके अंदर है उसको मुझे होवर करना है। अब होवर होता क्या है वैसे? एक्चुअली होवर ये है, मैं जिस बटन पे जाऊंगा ना उस पे लाइक ऐसे हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ये होवर होता है। ओके, तो ये जो बटन है, पूरा बॉक्स है एक बटन जिसका नाम है, उस बटन के अंदर जो डिव रखे हैं, उस डिव, ये डिव है वो, तो उस डिव को मैंने होवर किया है। ओके, अब मैं आपको अभी एक चीज और करके दिखा देता हूँ, पॉइंटर, लाइक कर्सर, सॉरी कर्सर, कर्सर पॉइंटर। ओके, कंट्रोल एस करते हैं, अब देखते हैं इससे क्या होता है। ठीक है, पहले ही एरो आ रहा था, लेकिन हम जैसे बटन के पास जाते हैं ना तो हाथ हाथ बन जाता है। ओके, ये देख रहे हो, और ग्रीन हो जाती है। तो ये होवर में ये सब कोडिंग करने से होती है। होवर में कितना सिंपल है, क्या किया मैंने, जिस पर मुझे होवर करना था, ओके, ये जो आईडी है, हैशटैग बटन ग्रेटर देन डिव, डिव के ऊपर होवर होना चाहिए, ये कोलन और होवर, देन बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना है सिर्फ होवर में, और कर्सर पॉइंटर करना है, सिंपल। ये हमारा HTML और CSS कंप्लीट हो गया। अब मैंने इससे JavaScript को कैसे ऐड किया, ये HTML, ओके, ये ऊपर वाला CSS था, ओके, स्टाइलिश स्टाइलिंग थी, और ये स्केलेटन इसका, ठीक है, इस बेसिस पे मैंने बनाया है। बॉडी के बाहर एक्चुअली जो स्क्रिप्ट होती है ना, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग नीचे होती है। तो ओके, तो मैंने जैसा कि आपको ये सब बता दिया है कि कैसे क्या बनाया, अब जावास्क्रिप्ट से इसको वर्किंग कैसे बनाया, इसमें जान कैसे डाली है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक होती है लेट कीज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल हैशटैग बटन ग्रेटर देन डिव। तो ये क्या होता है कि मैंने इससे ये बोला है कि डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट यानी कि इस डॉक्यूमेंट में, ये डॉक टाइप HTML है पूरा, इस डॉक्यूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में क्वेरी सिलेक्टेड सिलेक्टर ऑल, ये सिलेक्टर होता है ताकि ये ना सभी को सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट में जो भी सिलेक्टर है, बटन के जो डिव है, ठीक है, उसको मैं कीज बुलाऊंगा, इससे मैं कुछ भी फंक्शन करूंगा आगे, वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और एक एम्प्टी बैग ले लिया है, ये भी क्यों लिया है आपको बताता हूँ। ठीक है, और ये हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं, लाइक मैंने जो कीज बनाई है ना, कीज डॉट फॉर ईच, हाई ऑर्डर फंक्शन है, और इसके अंदर एलिमेंट पर वर्क करना है, एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, एड इवेंट लिसनर से क्या होगा कि एड इवेंट लिसनर को मैंने दिया है कि जब भी मैं क्लिक करूं, ओके, एड इवेंट लिसनर क्लिक लिया है मैंने, और एक फंक्शन दिया है उसमें, यहाँ पर फंक्शन को हमें कॉल नहीं करना है, फंक्शन, ओके, फंक्शन को मीन्स हमें फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन हमें वो जो ब्रेकेट यहाँ पर नहीं देना है। ठीक है, तो ये हाई ऑर्डर फंक्शन में हमें ये कोडिंग करनी है। उसके बाद क्या है कि जो फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को यहाँ पर, इस फंक्शन में पूरा काम करना है। तो इस फंक्शन में क्या है कि लेट टारगेट नंबर, हमारा जो भी टारगेट रहेगा, जो भी नंबर, जैसे मैं एक दबाऊंगा तो हमारा टारगेट रहेगा, ओके, तो उसमें जो इवेंट होगा, इवेंट में टारगेट, ओके, टारगेट यानी कि लाइक टारगेट, आई मैंने जैसे कि 3 दबाया तो मेरा टारगेट ये हो गया, ओके, इवेंट, वैसे इवेंट ये हो गया, ठीक है, टारगेट ये हो गया। देन अगर मैं उसमें मैंने फिर लिख दिया है कि इनर टेक्स्ट, तो पता है फिर मैं 3, ये जो 3 है, इस वाले इवेंट का जो टारगेट, और टारगेट में जो इनर टेक्स्ट है वो है 3, ओके, ये इनर टेक्स्ट है। सो इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, ओके, मैंने टारगेट नंबर ऐसा बना लिया। फिर मैं बोलूंगा इफ टारगेट नंबर इक्वल्स टू सी, अगर मैं सी को प्रेस करता हूँ तो क्या होगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, डिस्प्ले में जो सी लिखाना नहीं चाहिए, सी की जगह पे ब्लैंक हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, जब मैं सी टाइप करूंगा ना तो ब्लैंक हो जाना चाहिए, और जो मेरा बैग है वो भी ब्लैंक हो जाना चाहिए। ओके, सो हम ऐसे कर सकते हैं, बाकी अभी हमारे इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि हमें ये बैग यूज नहीं करना है। ओके, सो वो कल की क्लास में बताएंगे इसका कैसे अलग तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पे वो सी दबाने से ब्लैंक हो जाएगी डिस्प्ले। ओके, एल्स इफ में हमें एक और कंडीशन लेनी है। एक और कंडीशन क्या लेनी है कि हम वैसे तो इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन लेते हैं, अगर पर एक से ज्यादा कंडीशन होती है तो एल्स इफ कंडीशन बनती है। ओके, एल्स इफ के द्वारा हम कितनी भी कंडीशन बना सकते हैं। तो जैसे टारगेट नंबर हमने बोल दिया, टारगेट नंबर इक्वल्स टू सी आएगा तो हमारे डिस्प्ले को ब्लैंक कर देगा। ओके, इससे ये दिखता है। ओके, ये डिस्प्ले को कॉल करने का, कि डिस्प्ले की एक लोकेशन बताता है कि उसके इनर टेक्स्ट की जगह पे अगर सी आएगा तो ब्लैंक करना है। एल्स इफ टारगेट नंबर यानी कि डॉक्यूमेंट ऑफ डिस्प्ले
डॉट इनर टेक्स्ट की जगह पे अगर कोई इक्वल्स टू अगर दबाता है, जैसे कि 2+2 और फिर देन इक्वल्स टू दबाते हैं हम, तो एवेल बैग, एवेल का मतलब होता है जो भी ऑपरेशन बोल रहा है बंदा वो करो, ठीक है। 2+2 यानी कि इसे 4 कर दो, एवेल का मतलब ये होता है। ओके सो बैग मैंने ना गलत जगह से डिलीट कर दिया, बैग इक्वल्स टू यहां से डिलीट करना है। इवेल का मतलब होता है अगर टारगेट नंबर इक्वल्स टू सी आएगा तो मुझे ब्लैंक करना है मेरे डिस्प्ले को, यानी कि सी को टाइप नहीं होने देना है डिस्प्ले में, अपने कैलकुलेटर में नहीं होता है ना उस टाइप से। और अगर इक्वल्स टू प्रेस किया है मैंने तो भी इसे ना वहां पर टाइप नहीं होने देना है, ऑपरेशन करना है, लाइक जो भी हमने बोला है 2+2, 2×2 या 4+2 जो भी है, तो ऑपरेशन करना है, तो इवेल बेक करना है, जो बेक में जो भी रहेगा उसे इवेल कर देना है उसे, ठीक है, ऑपरेशन कर देना। देन एल्स बैग इक्वल्स टू बैग प्लस टारगेट नंबर, और फिर अदरवाइज इन दोनों कंडीशन के अलावा बैग में टारगेट नंबर जो भी रहेंगे वो जोड़ देना है। ओके एंड डिस्प्ले में उस नंबर को दिखाना है, सिर्फ यही कंडीशन है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल बनाया है और आप देख ही रहे हो कि काम कर रहा है। ओके सो गाइस दिस इज द कैलकुलेटर, लाइक देखो 129 हो गया, इक्वल टू करने पर सी दबाने पर पूरा डिलीट हो गया। ओके अभी हम करते हैं 1+2+3, लाइक 36 हो गया। ओके +5 इक्वल्स टू हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू बराबर काम कर रहा है, सी भी बराबर काम करे। और वो जो वन टाइम बैक स्पेस वो नहीं बनाया, शायद मेरे को लगता है कि आप लोग बोलोगे कमेंट में भाई बैक स्पेस तो बनाया ही नहीं। ओके हमें ये चीज दिखाया है, जो बोलते हैं ना जैसा बोलते हैं जितना वो वही करते हैं, क्योंकि इसमें मतलब मजाक नहीं है, क्योंकि अभी 2 वीक हुए हैं और वो जैसा कि आज जो सिखा दिया वो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी कल अधूरा जो बचा है वो कल बताएंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी कैसा लगा ये जो जावास्क्रिप्ट से ऐड करके इतना अच्छा मतलब कैलकुलेटर बनाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके थैंक यू सो